आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक बार में 4 से 5 शिमला मिर्च के भरवा आप कम समय में कुकर में कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा लाजवाब, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो ये रेसिपी आप सभी को बहुत टेस्टी लगने वाली है, बहुत पसंद आने वाली है। तो देख के जाने के बाद इसको लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। सबसे पहले हमने छौंक में डाल दिया है फ़ौरन जीरा, अदरक और लहसुन का ये कूटा हुआ पेस्ट। ध्यान रखिएगा आप इसको कूट करके डालिएगा, क्योंकि कूटने से अच्छा फ्लेवर आता है। खूब सारे प्याज, प्याज हमने बिल्कुल बारीकी से 5 कट किया हुआ है। प्याज को हमें लाल नहीं करनी है, जैसे कि सब्जी का मसाला बनाने के लिए करते हैं वैसे बिल्कुल नहीं करना है। एकदम कच्चापन इसमें रहना है, कच्चापन से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार 1 चम्मच के करीबन नमक, 2 चम्मच छोटी चम्मच से लाल मिर्च पाउडर। मसाले हमें कुछ खास गर्म नहीं करनी है, बहुत गर्म हो जाता है ज़्यादा मसाला से। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच आमचूर डाल दीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है आमचूर डालने से। मसाले तो कुछ खास इसमें हमने डाला नहीं है, तो इसको बहुत ज़्यादा भूनने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस जितनी चीज़ों को डाले हैं वो अच्छे से एक दूसरे में मिला देनी है, और सबसे लास्ट में 1/2 लेमन डाल दीजिए। जी हाँ, 1/2 नींबू को अच्छे से निचोड़ करके हमने डाल दिया यहाँ पर, और इसके बाद जो स्वाद आएगा ना बहुत टेस्टी लगेगा। ये नींबू के रस को मिला देंगे, और इसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। अभी बहुत अच्छे से मिल चुकी है, एकदम फ्रेश फ्रेश धनिया पत्ता डाल दीजिए। अगर आपके पास हरा लहसुन है तो वो भी काट के डाल दीजिए, बहुत सुपर टेस्टी लगेगा वो। और ये सब बहुत फ़ायदेमंद होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठंड में ही जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए लहसुन का प्रयोग बहुत जल्द अच्छा से करना चाहिए। अब यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं आलू। आलू 1/2 किलो हमने बॉयल करके पहले से रखा था, उसको मैश पे कर दिया था। धनिया पत्ता ज़रूर से खाइए, फाइलेरिया की जिसको भी बीमारी है ना वो ज़रूर से खाए धनिया पत्ता। और ये सीज़न है, सस्ता सस्ता धनिया पत्ता बहुत ही आसानी से डेली मिल जाते हैं। बस हमें कुछ करना नहीं है, अब इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके अच्छे से जो बीच वाले आलू है ना उसको मिला देंगे। बहुत ज़्यादा गैस पर मिलाने की ज़रूरत नहीं है, मसाले बस तैयार करने थे, वो तैयार हो ही गए हैं, आलू को भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम छोड़ देते हैं रेस्ट करने के लिए, और इसके बाद ये देखिए कितना ज़्यादा डिलीशियस सा ये आलू मसाला तैयार हो चुका है। स्टफिंग तो हमारी रेडी हो गई है, तो चलिए अब हम शिमला मिर्च को तैयार कर देते हैं। शिमला मिर्च में पहले हम ऊपर की ये जो टोपी है उसको निकालेंगे, इसके बाद इसमें पेट में जितने बीए हैं वो सारे निकाल देंगे। इसका ये जो वाइट वाला एरिया होता है ये कड़वापन रहता है, इसलिए इसको ज़रूर से निकाल दिया करिए ध्यान से। और इसके बाद जो हमने स्टफिंग तैयार की है वो इसमें, और पूरा इसको नहीं भरना है, ध्यान रखिएगा पूरा भरने से ना वो पूरा जब पकने लगता है तो सारे मसाले निकल के गिरने लगते हैं तेल में और ऑयल ख़राब हो जाती है, तो थोड़ा सा ऊपर स्पेस ज़रूर से दीजिएगा। एक बार में 4-4 या 3-3 आप कुकर के अनुसार डालना शुरू कर दीजिए, लेकिन उससे पहले हल्का सा तेल डाल, इसे बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है, और ये डालने पे उड़ने लगता है इसका ऑयल, इसलिए इसको ढक दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर पे इसको खोलते हुए हमें इधर उधर उलटते पलटते रहना है, ध्यान रखिएगा थोड़ी थोड़ी देर पर इसको ज़रूर से उलट पलट दीजिएगा, वरना एक साइड जल जाएगी और दूसरी साइड कच्चा रह जाएगा। टेस्टी शिमला मिर्च का भरवा तैयार है।
बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, उलट पलट करके अच्छे से सेक दीजिएगा। कुकर में बहुत जल्दी ये नरम हो जाती है ढकने के बाद। तो उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, लेकिन आपको पता कब चलेगा, जब आप खुद से बनाइए। तो प्लीज़ बनाइए, खाइए, लाइक करिए।